फैक्ट्री है, इस आइस फैक्ट्री में कोल्ड स्टोरेज भी है और नॉर्मल जहाँ जो भी मच्छी बचती है बंदर पे जो बचती है वो जो हम कोल्ड स्टोरेज में लेके आते हैं, जहाँ जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, जहाँ से मच्छी बाहर बेचनी हो या यहाँ लेके आनी हो, तो पूरा जो कारोबार है वो यहीं से चलता है। अच्छा अच्छा, ये आइस फैक्ट्री है ये? जी जी, ठीक है। और आइस फैक्ट्री का नाम दिया है हमारे पूर्वजों ने स्वप्नपूर्ति, स्वप्नपूर्ति आइस फैक्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ तक है एरिया जो फैला हुआ है आपका? एरिया है वो 125 एकड़ में है। 125 एकड़ में ये एरिया फैला हुआ है ना, जो कोले कम्युनिटी के पास में है, उनके पूर्वजों की जमीन है, ठीक है। पूरे मुंबई में इतना बड़ा जगह, ओपन लैंड पूरे मुंबई में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके। ऊपर से प्योर गोल्ड, ना इधर कोई रहने वाला है, ना सिर्फ हमारा कम्युनिटी का आइस फैक्ट्री है। यहाँ पे पहले से अपना मच्छी सुखाने का काम करते थे हमारे पूर्वज, जाली भूनना हो, मच्छी सुखाना हो, ये हमारा पेट्रोल पंप है। अच्छा। यहाँ पे जो जहाँ जो जाते हैं मच्छी मारने के लिए, उनको जो डीजल लगता है, अच्छा, वो यहाँ से उनको मिला जाता है। ये हमारा डीजल, ये पेट्रोल पंप है यहाँ। हाँ, पेट्रोल पंप, डीजल पंप है। अच्छा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनकी क्या समस्या है, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पेश है, कल्पेश कासकर। बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा जो वर्सोवा के लोग हैं, 70-80% आर डिपेंड ऑन फिशिंग। फिशिंग, मत्स्य व्यवसाय, ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। और ये सब ऑक्यूपेशन, यही जगह से हम लोग को हमारा रोजगार मिलता है। ओके। ये जगह में हमारा फिश मार्केट है, फिर हमारा आइस फैक्ट्री है, फिर गोदाम है, वहाँ पे हम लोग फिश रखते हैं। तो यही जगह से हम लोग को रोजगार मिल रहा है और हमारी रोजी रोटी यही जगह से चलती है। लेकिन पर्पसली 15 लोगों ने मिल के ये जगह को सेल कर दिया, राशेश्वर नाम के बिल्डर को। ये हम लोग को कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, पर्पसली सेल किया, हमारा कंसल्ट लेटर लिया नहीं, हम लोग को कुछ बताया नहीं, एग्रीमेंट में क्या हुआ है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर बाद में जब हम लोग ने एग्रीमेंट को पढ़ा, तभी हम लोग को, मतलब हम लोग को पता चल गया कि टोटल 223,000 स्क्वायर फुट का ये प्लॉट है। 223,000 में से सोसाइटी को, मतलब हमारे मेंबर्स को 1,55,000 स्क्वायर फुट मिल रहा है। इसका क्या है, ये क्या मिल रहा है? 1,55,000 में उन लोग ऐसे बता रहे थे कि आइस फैक्ट्री हम लोग फर्निश बनाएंगे, फिर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बनाएंगे, फिर हम लोग फिश मार्केट बनाएंगे, फिर हम लोग बल्टी, मतलब एक हॉल बनाएंगे शादी करने के लिए, फिर 350 फ्लैट देंगे मेंबर्स लोगों के लिए। तो ऐसे हम लोग को ये एग्रीमेंट में इन लोग ने लिख के दिया है। लेकिन जब हम लोग ने उसको डिटेल में जाना, तभी डिटेल में जाने के बाद तभी पता चला कि 223,000 स्क्वायर फुट में से 1,55,000 ये हम लोग को मिलेगा, और जो FSI TDR जो गवर्नमेंट का रेट रहता है, वो सब बिल्डर को चला जाएगा। तो जब भी हम लोग ने ऐसा रेशियो निकाला, तभी पता चला कि 20% खाली मेंबर्स को मिल रहा है और 80% बिल्डर को मिल रहा है। और ये जगह बेचने का यही कारण था कि ये जगह में आरक्षण था। जब भी हम लोग ने उसके बाद में स्टडी किया, तभी पता चला कि आरक्षण हमारे लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। यहाँ पे कोली हाउसिंग करके आरक्षण है, फिर फिश एंड कोल्ड स्टोरेज गोदाम करके आरक्षण है, इंडस्ट्रियल जोन आता है। तो ये जानबूझ के अभी सब बंद कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मच्छी सुखाते थे, अभी ये सब 4 साल से बंद कर दिया है। फिर जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में मछलियों को सुखाया जाता था। जो करते थे पहले, बहुत प्रोडक्शन होता था, अभी स्लोली स्टेडली इन लोग कम कर रहे हैं। मतलब जानबूझ के इन लोग को सब बंद करना है और हमारे जो रोजी रोटी है उन लोगों को खत्म करना है, उन लोग के पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये सब किसका है? ये हमारा ही है पूरा जगह। ये तो जो वाहन रखे हुए, बड़े बड़े गाड़ियाँ रखे, ये सब रेंट पे है, ये सब रेंट पे, वाहन बाहर के। हाँ, ये रेंट पे है, रेंट पे देते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है हमारी सोसाइटी, एक आइस फैक्ट्री के ऊपर चलती है, फिर फिश मार्केट जो है उसके ऊपर चलती है, फिर हम लोग डीजल जो शेयर होल्डर्स को हम लोग सप्लाई करते हैं उसके ऊपर चलता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन ये स्लोली एंड स्टेडली सब बंद करना चाहते हैं। फिर बिल्डर को आसानी रहेगी डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं चाहते, बिकॉज कमेटी में
मेंबर्स उन लोग के बेनिफिट के लिए इन लोग बेच रहे जगह। अगर ये जगह बेच दी तो हमारे जो मेंबर्स लोग हैं उन लोग का बहुत नुकसान होने वाला है, बिकॉज आज के तारीख में मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन कल जाके मुझे नौकरी मिलेगी ये कन्फर्म नहीं है। आज मेरी मदर सिस्टर जो मार्केट में जाके मच्छी बेचते है उसके ऊपर हमारा घर चलता है, और सब हर फैमिलीज के सिस्टर्स एंड मदर्स मार्केट में जाके मच्छी बेचते तभी सबका घर चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज 50-60% लोग जो गांव में है जो यंगस्टर्स है उन लोग को नौकरी नहीं है, उन लोग के मदर्स के वजह से उन लोग का घर चल रहा है। तो हमारी यही मांगनी है कि ये जगह बचनी चाहिए, इससे हमारा रोजगार चलेगा। और अगर डेवलपमेंट की बात है, अगर कुछ यहाँ पे करना रहेगा तो जहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ऐसा कुछ हम लोग करेंगे तो हम लोग और 500 और 1000 साल हम लोग यहाँ पे जी सकते हैं। ये जो आइस फैक्ट्री है हम लोग ने खुद के पैसे से हम लोग ने कंस्ट्रक्ट की थी। 1976 में हम लोग ने लोन लिया था न्यू दिल्ली सरकार से, तो वो NCDC से लोन लिया था, तो वो लोन लेके हम लोग ने खुद ने ये आइस फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। अभी हम लोग को खुद के आइस फैक्ट्री से हम लोग को आइस मिल रही है, तभी हमारी जाके जो बोट है हम लोग के गांव में 700-800 ट्रॉलर है, तो 700-800 ट्रॉलर ये आइस फैक्ट्री के वजह से हम लोग को बर्फ़ मिल रही है, तभी हम लोग का जो फिशिंग है वो प्रॉपरली हो रहा है। अगर ये आइस फैक्ट्री नहीं रहेगी तो हमारी जो बोट है वो बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोग को सब गाँव से ही सब हम लोग को जो बोट में डीजल चाहिए या आइस चाहिए या जो रॉ मटेरियल चाहिए जो हम लोग को सर्वोदय सोसाइटी से ही मिल रहा है। तो अगर आइस फैक्ट्री नहीं रहेगी तो हमारा जो 700-800 ट्रॉलर है तो हम लोग को आइस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पर्पसली ये बंद करना चाहते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल जोन में आता है। आइस नहीं मिलने से अपने जो व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, और ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये पर्पसली इंडस्ट्रियल जोन टू रेसिडेंशियल जोन करना चाहते हैं विकास करने के लिए, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। ये सरकार से मेरी निवेदन है।